हेलो फ्रेंड्स। सो आज मुझे आपके साथ एक मेरी लाइफ का बहुत ही मुश्किल फेज था वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। सो 3 साल पहले हम सबकी लाइफ में कोविड नाम का एक बहुत ही भयानक फेज़ आया हुआ था, जिसने हम सभी की लाइफ में बहुत ही मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए थे। हम सब ने बहुत ही फेस किया और हम सब वो सिचुएशन से उभर के भी आए, थैंक्स टू द गवर्नमेंट फॉर द ग्रेट मेडिकल सर्विसेज एंड वैक्सीनेशन ऑफ कोर्स। सो हम लोग वहाँ से उभर आए, बट हम लोगों ने बहुत सारे लोगों ने पहली बार ऐसा सिचुएशन फेस किया कि पैंडामिक क्या होता है और हमें घर से काम करने में कितनी दिक्कतें भी आ सकती है और कितनी बड़ी प्रॉब्लम से भी गुजरना पड़ता है। सो हम में से बहुत सारे लोगों ने हमारी जॉब्स को खोया था, बिजनेसेस भी बहुत सारे डाउन हो गए थे, जॉब्स नहीं मिल रही थी लोगों को और एग्जिस्टिंग जॉब में भी बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब गंवानी पड़ी थी। सो मैं भी उनमें से एक हूँ, मुझे भी अपनी जॉब गंवानी पड़ी। वो बहुत ही मेरी लाइफ का सबसे बैड फेस कह सकते हैं, बिकॉज यू नो वी आर नॉट लिविंग अलोन, वी आर लिविंग विथ अ फैमिली एंड वी ऑल हैव अ यू नो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑफ कोर्स द गोल्स इन अवर लाइफ, वी ऑल हैव सेट दैट। एंड अगर आपको कोई अचानक से ऐसे सिचुएशन के बारे में पता चले तो आप स्पीचलेस हो जाते हैं, और बिकॉज आपके पास ऐसी कोई प्री प्लानिंग नहीं होती है वो टाइम पे कि आप क्या करने वाले हो। अभी मैं मेरी लाइफ का इंसिडेंट बता रहा हूँ, तो 18 मार्च 2020 तक मेरा ऑफिस चालू था, उसके बाद कोविड पेंडेमिक स्टार्ट हो गया और बाद में मैंने 17 टू 18 डेज वर्क फ्रॉम होम किया। फिर एक दिन 3 अप्रैल को मुझे रात को 10 बजे HR का कॉल आया और उसने मुझे फ़ोन पे ही डायरेक्ट बता दिया कि वी आर कटिंग द एम्प्लॉयज़ बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, कंपनी बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है तो आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो वो यू नो मैं आपके साथ शेयर ऑफ कोर्स कर सकता हूँ बट बयान नहीं कर सकता कैसे मैंने वो सिचुएशन हैंडल किया। सो मैंने वो सिचुएशन हैंडल किया, पहले तो मैंने फ़ोन पे एक्चुअली यू नो मैं कुछ बोला ही नहीं और मैं आई वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू सेकंड्स एंड आई आस्क फॉर अ रीज़न एंड आपने कौन से बेस पे और कौन से थॉट ऑफ माइंड से आपने मुझे बोला, बिकॉज मेरे प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे जा रहे थे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था जो जिसकी वजह से मुझे यू नो रिज़ाइन करना पड़े या फिर कंपनी को मुझे निकालना पड़े। तो मैंने उनको पूछा कि प्लीज़ गिव मी द थॉरो रीज़न दैट यू नो आई कैन डाइजेस्ट एंड यू नो आई कैन फील आई कैन प्लान अकॉर्डिंगली। सो उन्होंने मुझे बोला ऐसा कोई रीज़न नहीं है, हम धीरे धीरे सभी एम्प्लॉयज़ को बोल रहे हैं कि कंपनी की सिचुएशन ख़राब है तो आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला कि आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि मैं ये सिचुएशन में अपने फैमिली के साथ कैसे सर्वाइव कर पाऊँगा, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन बैक सपोर्ट और एनीथिंग, नो मैं वाइफ और मेरे बेटे के साथ पुणे में आया था 2018 में, उसके बाद मैंने 2019 में एक फ्लैट बुक किया था यहाँ पे और वो ऑफकोर्स अंडर कंस्ट्रक्शन था तो उसकी EMI भी स्टार्ट हो गई थी। ये मेरी सिचुएशन आई नो कॉमन है बट ऐसे बहुत सारे लोगों ने फेस किया होगा, बट हर एक का जो इंडिविजुअल का प्रॉब्लम होता है ना वो उसके लिए माउंटेन से भी बड़ा होता है। सो वो टाइम पे मैंने सोचा भी नहीं होगा कि कोविड, हम लोगों ने किसी ने सोचा नहीं होगा कि कोविड जैसा कोई सिचुएशन आएगा और हम में से सबको ऐसा दौर से गुजरना पड़ेगा। तो मैंने उनको पूछा HR को कि आपने ज़रा सा भी सोचा कि यू नो मेरे आने वाले नेक्स्ट डेज कैसे जाएंगे। सो ऑफकोर्स बैकअप प्लान होता है, हम सबका सेविंग्स होती है, बट वो आपकी कितनी देर चलेगी यू नो, और वो सेविंग्स आपने फ्यूचर के लिए कमाई होती है। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा हो तो आप मुझे रिज्यूम दे दो,
मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा अगर मेरे कॉन्टेक्ट्स में हो तो। मैंने उनको बोला सॉरी, मैं ऐसे बंदों में से नहीं हूँ कि जो मुझे रिज़ाइन करने को बोल रहा है और मैं उसको ही मेरा रिज्यूम दूँ। तो मैंने उनको बोला सॉरी, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन एंड आई एम नो दैट आई हैव नो सच थॉट्स इन माई माइंड। आई एम वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन एंड यू नो हु बिलीव्स इन एथिक्स एंड वर्क एथिक्स, नथिंग एल्स। एंड थ्रू माई हार्ड वर्क आई कैन आई एम बिलीविंग दैट आई कैन अचीव माई गोल्स एंड वॉट एवर आई वॉन्ट टू अचीव इन माई लाइफ। सो मैंने उनको मना कर दिया। फिर मैंने उनको बोला आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि अभी अभी कोविड में बाहर में कहाँ पर जॉब ढूंढने जाऊँगा, कैसे मुझे जॉब मिलेगा और कितने टाइम में मिलेगा वो भी मुझे पता नहीं है, ठीक है। और मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली की, तो वो मैं कैसे फुलफिल कर पाऊँगा। तो उन्होंने बोला वो मेरा लुकआउट नहीं है, आप प्लीज़ देख लो आपके पास 1 मंथ या 2 मंथ्स का नोटिस पीरियड होता है, वो है। तो उन्होंने बोला कि आप देख लीजिए। मैंने बोला फिर अच्छा ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया है तो फिर मैं ऑफिशियली मेल करूँगा, बट मुझे आप मुझे बताइए कि जो 2 महीने का नोटिस पीरियड होता है उसमें आप मंथली जो सैलरी होती है वो आप दोगे कि फिर आफ्टर 2 मंथ्स यू विल गिव। सो उन्होंने बोला कि 25% मैं आपको दूंगा, उसके बाद जो आप जब भी आप नोटिस पीरियड ओवर होगा उसके बाद आप ले लेना बाकी का पेमेंट। तो मैंने उनको बोला 25% में मेरा फैमिली कैसे चलेगा, राइट? एंड विद दैट काइंड ऑफ माइंड सेट हाउ आई विल सर्च द न्यू जॉब, राइट? सो मैंने उनको बोला कि सॉरी इफ यू आर गिविंग मी सच अ ह्यूज प्रॉब्लम, यू नीड टू सपोर्ट अ बिट एज अ ह्यूमन परस्पेक्टिव, यू नीड टू सपोर्ट अ बिट। सो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको पर मंथली सैलरी दूंगा बट रिज़ाइन आपको करना पड़ेगा, देर इज़ नो अदर ऑप्शन वी हैव। फिर बाद में मुझे बहुत सारे कलीग से पता चला कि हमको नहीं बोला है रिज़ाइन करने को, और कुछ कुछ लोगों को बोला है, कुछ कुछ लोगों को नहीं बोला है। तो फिर मैंने कहीं पे कुछ इंक्वायरी नहीं किया, कुछ भी किसी से इंक्वायरी नहीं किया। मैं उस दिन जो सिचुएशन में था, मैं किसी का के साथ यू नो बात करने में सोच रहा था कि मैं क्या बोलूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ कैसे बात करूँ या फिर मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। इनफैक्ट आई डोंट हैव एनी वर्ड्स राइट नाउ। बट सो बाद में मैंने आधा घंटा तो मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ, वाटर आई हैड, एंड मैंने सोचा कि अभी क्या करना है नेक्स्ट। सो बाद में मैंने पूजा से बात की, मैंने कि ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो शी वॉज ऑल्सो यू नो स्पीचलेस बिकॉज शी डोंट रेडी सी इज़ नॉट रेडी टू बिलीव दैट दिस सिचुएशन विल कम टू अस इन स्पेशली इन दिस पैंडमिक। सो हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर बाद में ऑन द सेम नाइट मुझे 10 बजे कॉल आया एचआर का। ऑन द सेम नाइट अराउंड 12 वी केम टू द कंक्लूजन दैट ओके, सिचुएशन आया है उसे एक्सेप्ट करो, एज अ चैलेंज पकड़ो और उसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लेके उसको आगे बढ़ो, ठीक है। उसके बाद मैंने उसी नाइट मैंने पूरा मेरा CV अपडेट किया, जो भी जॉब साइट्स थी वहाँ पे हमने अपडेट कर दिया। उसी नाइट्स में रात को 3 बजे अराउंड सोया, 3-4 घंटे सोया। मैं सुबह वापस उठ गया बिकॉज सुबह अभी नोटिस पीरियड चालू हो गया था, तो ऑफ कोर्स नोटिस पीरियड में बहुत ज़्यादा वर्क देते हैं ऑफिस वाले बिकॉज आप नोटिस में हो तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आपको आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, आपको सैलरी भी चाहिए, आपको 2 महीना काम करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वो सारी कंपनीज की जनरली मेंटालिटी होती है। तो उसके बाद मैंने एज अ नॉर्मल डे लेना स्टार्ट किया, मैंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया ऑफिस में, कुछ भी ऑनलाइन मीटिंग्स में मेरी होती थी, ऑफ कोर्स वर्क फ्रॉम होम था बिकॉज ऑफ द कोविड, सो ऑनलाइन मीटिंग्स होती थी, कलीग से बात होती थी, तो फिर मैंने किसी को नहीं बताया। मैं मेरा वर्क करता गया करता गया, 2 महीने बीत गए, उसके बाद मैंने सैलरी लिया। 2 महीने के अंदर अंदर हम लोगों ने जो सिचुएशन फेस की वो इतनी मुश्किल सिचुएशन थी कि एक एक तरफ से स्कूल की फीस भी होती है, वो साइड पे मैं जॉब भी ढूंढ रहा था, मैं बाहर भी नहीं जा पा रहा था, टोटली आई वॉज एट हो वी ऑल एट होम लॉक्ड। ऑनलाइन अप्लाई किया, ऑनलाइन इंटरव्यूज दिए, मैं सेलेक्ट हुआ कंपनी में और मुझे वहाँ से बहुत ही अच्छा स्कोप मिला मुझे,
और थैंक्स टू गॉड फॉर सपोर्टिंग मी. मैं भगवान का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मेरे साथ रहे, मुझे हिम्मत दी कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मुझे रास्ता दिखाया. और मैं मेरी वाइफ पूजा को भी बहुत ही इतने मुश्किल सिचुएशन में भी उसने हमेशा मेरा सपोर्ट किया, उसके लिए भी आई मस्ट से बिग थैंक्स टू हर. अदरवाइज विदाउट हर सपोर्ट आई कुडंट बी एबल टू गेट अप एंड कम आउट फ्रॉम दिस डिफिकल्ट सिचुएशन. सो यही मुझे आज शेयर करना था. मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ. और एक बात कहनी थी कि जब भी मुश्किल सिचुएशन आती है लाइफ में तो आप अपसेट मत हो. अपसेट ऑफ कोर्स हम लोग हो जाते हैं, बट इतने भी आप डिप्रेशन मत फील करो या फिर इतने भी टेंशन में मत चले जाओ कि आप खुद को भी नुकसान करो और अपनी फैमिली को भी नुकसान करते रहो. सो इससे अच्छा है कि आप अपनी फैमिली के साथ, जो भी आपके साथ रहते हैं, उनके साथ डिस्कस करो, शेयर करो, ताकि वो बोलते हैं ना कि दुख बांटने से कम होता है. और बहुत सारे आपको आइडियाज़ भी मिल जाते हैं, रास्ते निकल आते हैं बात करने से, तो आप बात करो. तो मैंने भी वही किया, हिम्मत से काम लो और सच्चे मन से आप अगर मेहनत करोगे तो लाइफ में बड़ी से बड़ी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आएगी तो आप उस में से उभर के बाहर आ ही जाओगे. भगवान आपकी हेल्प करेंगे ही, अगर आप सच्चे मन से सही तरीके से मेहनत करोगे तो भगवान आपके साथ हमेशा रहेंगे. वो हमेशा याद रखना, और कभी भी अपने आप को इतना भी कमज़ोर मत समझना किसी और के कहने से कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप एक गोल्ड हो. तो आप हमेशा अपने मन की सुनो, अपने दिल से काम करो और हमेशा वर्क एथिक्स के साथ काम करो, तो आप हमेशा आगे बढ़ोगे और आप कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आ पाओगे. वो एकदम सही बात है जो मैंने फेस की, और मैंने रियलाइज़ भी किया कि ये बात कितनी सच होती है, और मैंने खुद से देखा भी एक्सपीरियंस से. तो बस यही बात करनी थी आपसे. आशा करता हूँ कि आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहोगे. थैंक यू सो मच. टेक केयर.